बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे वो टेंथ पास करता है और नीट या जेई का प्रिपरेशन करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, पहले हमें 11th 12th कंप्लीट करने दो, कंप्लीट करने के बाद मैं नीट और जेई का प्रिपरेशन करूंगा। या जो बच्चा 10+2 कंप्लीट कर लेता है वो क्या कहता है, हमें बेसिक नहीं पढ़ा, हमें ओनली नीट और जेई का प्रिपरेशन करना है। तो देखो ये करना कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको जो 11th 12th है वो क्या है, बेसिक है, फंडामेंटल है। ओके, फंडामेंटल आपका क्लियर रहेगा, जैसे ही फंडामेंटल या बेसिक क्लियर रहेगा तभी तो आप उसका इंप्लीमेंटेशन करोगे, इंप्लीमेंटेशन बोलो या एप्लीकेशन बोलो। एप्लीकेशन क्या है, बेसिक हमने कंप्लीट किया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जो बच्चा कहता है कि हमने प्लस टू कर लिया, हमें ओनली हमें नीट या जेई करना है, तो आप खुद सोचो अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, फंडामेंटल कंप्लीट नहीं है, तो कैसे एप्लीकेशन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी भी बंदा को क्रैक करना है तो उस फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सबसे पहले क्या करना है आपको, बेसिक या फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे ही आपका फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप उसका एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन बोले तो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आसानी से आपका कोई भी कंपटीशन क्रैक हो जाएगा। ओके।